नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा निकाले गए क्लर्क मैनेजर, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर के एग्ज़ाम के बारे में, जो 233 पोस्ट के लिए निकला था। ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे थे, एनी डिग्री मांगी गई थी। इसके एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेके जाने हैं इसके एग्ज़ाम पे, एग्ज़ाम सेंटर में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एग्ज़ाम आपका डेट है 23 जून 2024, यानी कि संडे को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की बैंकिंग अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके एडमिट कार्ड के पेज पे, जहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। देख लीजिए, ये आप उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक का वेब पेज है, जहाँ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के डाउनलोड हो रहे हैं 12 जून 2024 से 23 जून 2024 तक। और 23 जून को इसका एग्ज़ाम है, संडे को। तो आप यहाँ लॉगिन क्रेडेंशियल अपने इंसर्ट करके हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ DDMM-YY में फॉर्मेट में डाल के, सिक्योरिटी कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करके अपना आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। और अब एडमिट कार्ड के संग आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और लेके जाने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम सेंटर 2023-24 में आपको क्या क्या जरूरत होगी, जिसमें क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट निकली थी। इसका एग्ज़ाम का डेट है 23 जून 2024, संडे को। और इसमें आपको डिटेल मेंशन होनी चाहिए क्या क्या, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, एग्ज़ाम डेट एंड टाइमिंग, एग्ज़ाम डेट एंड टाइमिंग। तो जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट और टाइमिंग हो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर दोस्तों। और किस शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम कर रहा है, कितने बजे, एग्ज़ाम टाइमिंग क्या क्या है वो सब बताइएगा। और एग्ज़ाम वेन्यू क्या है, एड्रेस क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्ज़ाम के क्या क्या हैं, स्पेस ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर की जगह है कि नहीं, ये सब आप चेक कर लीजिए एडमिट कार्ड में। और उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेके जाना है एडमिट कार्ड का, और ओरिजिनल गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय अ गजिस्टर्ड ऑफिसर ऑन ऑफिशियल लेटर हेड अलोंग विद फोटोग्राफ। और इसके संग आपको नोट ई आधार कार्ड और राशन कार्ड जो होते हैं आर नॉट वैलिड आईडी प्रूफ हैं, तो ई आधार कार्ड और राशन कार्ड को आप नहीं लेके जाएं। जो ऊपर मैंने आपको बता रखे हैं उनमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, और उस ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है, फ़ोटोकॉपी ऑफ गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ की आपको संग में लेके जानी है। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लेके जाइएगा, जैसी आपने अपलोड करी थी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय। और अगर वो नहीं है तो दूसरी भी ले जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब इसके बाद है स्पेशल नोट फॉर द फीमेल कैंडिडेट आफ्टर मैरिज, जिन फीमेल कैंडिडेट की मैरिज हो जाती है उसके बाद उनके नाम चेंज हो जाते हैं, तो उनके लिए फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ मस्ट कंटेन एग्जैक्टली द सेम नेम एज इट अपीयर ऑन द कॉल लेटर, जैसा आपका कॉल लेटर में नाम है वैसा ही आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में नाम होना चाहिए। अगर उसमें इन केस ऑफ एनी डिस्पेंसरी पाई जाती है इन आइडेंटिटी, यानी कि मिसमैच इन नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मे नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, आपको नहीं दिया देने जाएगा। इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस, आप जब भी दिए देने जाएंगे, जब आप प्रोड्यूस करेंगे ओरिजिनल गजिस्टर्ड नोटिफिकेशन या मैरिज सर्टिफिकेट। तो आप इस इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए, ये आपको अगर आपका मिसमैच हो गया है नेम में मैरिज के बाद, तो आपको ये ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट और गजिस्टर्ड ऑफिसर का नोटिफिकेशन ये आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो ये आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए।
तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। इस वेबसाइट का वेब पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और 23 जून को आपका इसका एग्ज़ाम है संडे को, और कितने बजे है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ रहा है आपका वो भी मुझे मेंशन करके बताइएगा प्लीज़ दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा इसी प्रकार की बैंकिंग वीडियोस प्राप्त करने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।